तो भाई वेलकम टू ट्रैवल विद सिनेमा। और आज हम बात करने वाले हैं मूवी शेफ के बारे में। तो आई नो भाई, मैंने मूवी बहुत लेट देखी है, बहुत दोस्तों ने मुझे रेकमेंड की थी कि भाई शेफ मूवी देखो, लेकिन मैंने देखी थी सैफ अली खान वाली शेफ। वो भी पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, मुझे उस मूवी ने कहीं भी बोर नहीं किया था। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं द ओजी शेफ के बारे में, जिसको जो है ना जॉन फेवरियो ने डायरेक्ट भी किया था, लिखा भी था, प्रोड्यूस भी किया था। अगर मैं ये कहूं कि इस मूवी ने जॉन फेवरियो के कैरियर को सेव किया था तो कहना गलत नहीं होगा भाई। तो खैर, ओवरऑल हम मूवी की बात करते हैं तो भाई मूवी बहुत खूबसूरत है यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है मूवी। ये उस कैटेगरी में आती है ना कि फील गुड, और मुझे फील गुड सिनेमा बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, मुझे एक बेसिक स्टोरी लाइन मूवी की पता थी कि भाई ये एक शेफ़ है, यहाँ से इसको निकाला जाएगा, फिर ये अपना काम शुरू करेगा, फूड ट्रक स्टार्ट करेगा, हो स्टोरी मेरे माइंड में थी। लेकिन उसके बावजूद भाई मूवी ने मुझे कहीं पे बोर नहीं किया, कहीं एक सेकंड के लिए भी मेरा ऐसा दिल नहीं किया कि मैं फ़ोन यूज़ कर लूँ। मूवी की परफॉर्मेंसेस बहुत खूबसूरत, मूवी की लोकेशन बहुत खूबसूरत, और सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी वो थी जब वो सीन्स आते हैं, जब जो है ना एक कार्ल जो हमारा मेन करेक्टर है वो कुक करता है, क्या खूबसूरती से वो चीज़ को काटता है, क्या खूबसूरती से उसको जो है ना शूट किया गया है। मैं तो भाई वही देख के जो है ना मैं भाई सोल्ड हो गया कि बस अभी मेरा हो गया भाई। भाई मैं खुद एक फूडी बंदा हूँ, मैं खाने को खा सकता हूँ, बनता हुआ देख सकता हूँ। खाना खाने के लिए अगर मुझे को बोले कि आपको 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है और अच्छा खाना मिलेगा तो भाई सबसे पहले मैं आगे लगूंगा कि भाई चलो 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 चलो। और एक मूवी है शेफ जिस जो है ही खाने के बारे में, ठीक है ना। पर्सनली स्टोरी भी हमारे करेक्टर की दिखाई गई है, वो किस तरह अपने बच्चे को चीज़ें सिखाता है, वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी यार। वो उसका एक सीन है मूवी में जहाँ उसका बच्चा जो है ना वो एक सैंडविच सर्व करने वाला होता है, थोड़ा सा जल जाता है, लेकिन वो उसको पकड़ के बाहर लेके आता है ट्रक से और बोलता है उसको कि देखो बेटा हम ये काम कर रहे हैं क्योंकि ये हमें खुशी देता है, ठीक है, अदरवाइज़ हम कुछ 9 to 5 जॉब कर सकते हैं, लेकिन ये एक जिम्मेदारी है, दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या खूबसूरत सीन था यार। और वो पूरे लेक्चर के बाद वो बेटे को बोलता है कि क्या तुम अभी ये सैंडविच सर्व करोगे, तो बेटा बोलता है कि नहीं। क्या खूबसूरत सीन था भाई। और फिर जो है ना वो किस कितनी खूबसूरती से उस ट्रक को जो है ना वो डिज़ाइन करते हैं, किस तरह गंदा होता है, वो सारे सीन मुझे बहुत खूबसूरत लगे। और उसके बाद उसका जो एक बीवी के साथ कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया कि वो उसको पसंद नहीं करती, वो छोड़ चुके हैं दूसरे को, लेकिन अभी वो लाइक करती हैं, वो सारे सीन वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। बेटे वाले सीन काफ़ी अच्छे लगे, रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कैमियो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वो मेरे लिए बिल्कुल जो है ना वो ऐसे शौक था कि भाई ये बंदा कहाँ से आ गया। उसके बाद भाई जहाँ पे वो ट्रक जो है ना वो रोड पे चलना स्टार्ट होता है और वहाँ से जो एक रोड ट्रिप मूवी स्टार्ट होती है, जहाँ जहाँ पे वो रुकते हैं, जहाँ पे वो ऑडियंस आकर उनसे सैंडविच ले रही होती है, भाई कमाल। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मैं रिग्रेट फील कर रहा हूँ कि मैंने इस मूवी को इतनी देर से क्यों देखा। तो बाई चांस अगर आप उन लोगों में से हो जिन्होंने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो भाई मैं कहूँगा यू आर मिसिंग अ लॉट, दिस इज़ अ सिनेमा फॉर मी एटलीस्ट। और अब अगर यार मेन करेक्टर मुझे इतना अच्छा लगा यार, कसम से परफॉर्मेंस इतनी खूबसूरत है उस बंदे की, जॉन फेवरियो की, और वो करेक्टर इतना खूबसूरत है, वो इतना इनोसेंट करेक्टर है यार। उसको ट्विटर का नहीं पता, उसको कैसे यूज़ करते हैं वो नहीं पता, उसका बेटा उसको बता रहा होता है, वो कमेंट्स करता है और बेटे को बोलता है मैंने उसको इनबॉक्स किया है, वो बेटा बोलता है कि अभी आपका मैसेज सारे बंदे देख रहे हैं, वो जो क्रिटिक के साथ उसका एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो इतना मासूम करेक्टर मुझे लगा यार कसम से। किस तरह वो खाने का फ़ैन है, किस तरह वो क्या अपनी जॉब को क्या समझता है, और मैं सोच रहा था कि अगर यार मैं इस बंदे की जगह होता तो मुझे इतना प्यार आ रहा था उस बंदे पे, क्या खूबसूरत करेक्टर है। अगर अपने टॉप 10 करेक्टर गिनूँ सिनेमा की हिस्ट्री के तो भाई ये बंदा उनमें आएगा, इतना अच्छा लगा मुझे करेक्टर, मैं करेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो ओवरऑल भाई इट्स अ रियली गुड वॉच मेरी तरफ से, हाईली रेकमेंड मैं आपको कर रहा हूँ कि आपने इस मूवी को मिस नहीं करना। और अगर आपने ये मूवी देख रखी है तो अपना ओपिनियन मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, और इस तरह की कोई और मूवी अगर आप मुझे रेकमेंड करना चाहें तो भाई प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, आई वुड लव टू वॉच दोज मूवीज़। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मुलाकात किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।